सो फ्रेंड्स, आज हमारा पूरी में डे थ्री और आज हम जाने वाले छिलका ले एंड वी आर ऑन द वे और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए हॉल्ट लिए फ्रेंड्स। मैं आपको मिलती छिलका ले पर और मैं आपको अब दिखाऊंगी व्यू। No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the waste. हम आ गए चिल्का लेक पर और ये है इंडिया का लार्जेस्ट लेक एंड दिस इज फेमस फॉर डॉल्फिन्स, रेड नालाबाना बर्ड्स दैट आर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रेड क्रैब एंड रांझना आइलैंड। यहाँ पे बोट अलॉट होती है और हमारी बोट आ गई है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और घूमते हैं चिल्का ले। और बोट वाले अंकल ने बताया कि वहाँ के लोकल सेलर्स पर्ल एंड मूनस्टोन सेल करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सीप में से पर्ल्स निकलते हैं। और फ्रेंड्स, वी डोंट नो दैट द पर्ल्स एंड मूनस्टोन्स आर रियल और नॉट। सो फ्रेंड्स, ये सीप है, इसमें से रियल मोती निकलते हैं। मोती निकाल के दिखाइए ना भैया। हाँ, इधर जंगल है, जंगल का पीछे सागर होता है, उसमें मछुआ लोग जाके जो जाल फेंकते मछली के लिए, मछली के साथ ही सब कलेक्शन होता है। देख लीजिए कैसे निकलता है। ये हर सेल में नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये सीप में से निकला मोती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, छोटा बड़ा ऐसा आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया था कैसे लाइव कि कैसे सीप में से मोती निकलता है और ये है वो मोती। जो यहाँ पे और भी सारे स्टोन्स अवेलेबल है लाइक मून स्टोन, पन्ना एंड मूंगा एंड पुखराज एंड नाउ अंकल अभी इस शेल में से पुखराज निकाल रहे हैं। हाँ, काटता नहीं। ओ, ये काटता भी है फ्रेंड्स, ये डांट है ना अंकल। ये क्या है? कोरल रीफ। अच्छा, सो ये है कोरल रीफ और इसमें से निकलता है मूनस्टोन, पन्ना एंड मूंगा। अभी मैंने आपको लाइव दिखाया है कोरल में से निकली हुई चंद्र कण मणि है और ये बहुत सुंदर है नवग्रह के लिए। नवग्रह के लिए काम करता है, काम करता है ये। सो फ्रेंड्स, ये रेड क्रैब है, ये हाई टाइट में नहीं रहते, ये रेत पे रहते हैं, रेत के नीचे। सो फ्रेंड्स, बोट वाले अंकल ने बताया कि अब हम भी अब लोग जा रहे हैं डॉल्फिन देखने। और फ्रेंड्स, डॉल्फिन थोड़ी डीप में रहती है
एंड चिल्का लेक सबसे ज्यादा फेमस ही डॉल्फिन के लिए है। तो फ्रेंड्स पूरी डॉल्फिन आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा कैमरा को जूम करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स डॉल्फिन को कैप्चर करना कैमरे में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो जल्दी से ऊपर आ जाती है पानी के और फिर वो जल्दी से नीचे चली जाती है पानी के। बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपको डॉल्फिन दिखा सकूँ। सो फ्रेंड्स दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आती है, और ये यहाँ पर जैन और फैब में ज़्यादा दिखती है। यहाँ पे अचानक बारिश तेज होने लगी है, सो दैट्स व्हाई वी आर कैंसलिंग सी माउथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So bye guys, stay tuned for my next vlog. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.